स्वास्थ्य खंड संगढ़ा में आज 88% रही कोविड वैक्सीनेशन दर। दूर दराज क्षेत्र गत्ताधार में सबसे ज्यादा 100 में से 89 लोगों ने लगवाई कोविशील्ड की पहली डोज। मेडिकल ब्लॉक संगढ़ा में आज 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की एंटी कोविड वैक्सीनेशन दर 88% से अधिक रही। दूर दराज क्षेत्र गत्ताधार में जहां सबसे ज्यादा 100 में से 89 लोगों द्वारा कोविशील्ड की पहली डोज लगाई गई, वहीं संगढ़ा में स्लॉट बुक करवा चुके 100 में से 88 तथा नौराधार में भी इतने ही लोगों द्वारा कोविड वैक्सीन लगाई गई। गत माह जहां 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करवाने अथवा टाइमिंग का पता न लगने के चलते यहां काफी संख्या में बाहरी मेडिकल ब्लॉक और यहां तक कि हरियाणा से भी लोग पहुंचे, वहीं इस बार स्थानीय लोगों द्वारा समय पर स्लॉट बुक करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते यहां वैक्सीनेशन रेट भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। कार्यवाहक बीएमओ संगढ़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि मंगलवार को पीएससी गत्ताधार में 89 तथा सीएससी संगढ़ा व नौराधार में क्रमशः 88 लोगों द्वारा कोविड वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की भी अपील की। मेडिकल ब्लॉक संगढ़ा में आयोजित RT-PCR सैंपल कलेक्शन कैंप में कुल 122 लोगों ने करवाया कोविड टेस्ट। रजाड़ा में 105 तथा शिवपुर में मात्र 17 लोगों ने करवाया RT-PCR सैंपल। स्वास्थ्य खंड में हुए 81 रैपिड एंटीजन टेस्ट में से केवल एक की रिपोर्ट पाई गई पॉजिटिव। स्वास्थ्य खंड संगढ़ा के 2 गांव में मंगलवार को आयोजित RT-PCR सैंपल कलेक्शन कैंप में केवल 122 लोगों द्वारा कोविड टेस्ट करवाए गए। रजाना गांव में आयोजित RT-PCR सैंपल कलेक्शन कैंप में जहां 105 लोगों के टेस्ट हुए, वहीं शिवपुर में महज 17 लोग कोविड टेस्ट करवाने पहुंचे। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए विभाग तथा प्रशासन द्वारा इन दिनों गांव-गांव में RT-PCR कैंप लगाए जा रहे हैं तथा लोगों से ज्यादा संख्या में अपना कोविड टेस्ट करवाने की भी अपील की जा रही है। मेडिकल ब्लॉक संगढ़ा में मंगलवार को कुल 81 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए, जिनमें से केवल एक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सीएससी हरिपुर धार में आयोजित 23 RAT सैंपल में से जहां एक पॉजिटिव पाया गया, वहीं संगढ़ा में हुए 25, नोहरा धार में 19, चोकर में 8 तथा भोग धार में हुए सभी 6 टेस्ट नेगेटिव पाए गए। इससे पूर्व सोमवार को क्षेत्र में 5 RAT सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे। मेडिकल ब्लॉक संगढ़ा में गत 2 माह में अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा विभाग व प्रशासन के अनुसार इस माह लगातार क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिविटी दर कम हो रही है। SDM संगढ़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने बताया कि मंगलवार को स्वास्थ्य खंड संगढ़ा में हुए 81 रैपिड एंटीजन टेस्ट में से केवल एक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जबकि इसके अलावा 2 गांवों में आयोजित कैंप में 122 RT-PCR सैंपल भी हुए। उक्त RT-PCR सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन बाद मेडिकल कॉलेज नाहन से आएगी।